ब्रह्मा बान कपि कहते ही मारा सियाज राम जी जय हनुमान जी रते हूँ बार कट को संहारा माँ जी शिव जी जय राधे श्याम जी तही देखा कपि मुड़े चित पहू सियाज राम जी जय हनुमान जी नाग पास बाध सिंह माँ जी शिव जी जय राधे श्याम जी जासु नाम जपि सुनाहु भवानी सियाज राम जी जय हनुमान जी भव बांधन काटहि नर ज्ञानी माँ जी शिव जी जय राधे श्याम जी तासु दूत की बंध तरुआ बा सियाज राम जी जय हनुमान जी प्रभु कारज लगी कपहि बधावा माँ जी शिव जी जय राधे श्याम जी कपि बांधन सुनि निश्चर धाये सियाज राम जी जय हनुमान जी कातुक लागि सभा सब आए माँ जी शिव जी जय राधे श्याम जी दस मुख सभा देख कप जाई सियाज राम जी जय हनुमान जी कहीं न जाई कछुअति प्रभु ताई माँ जी शिव जी जय राधे श्याम जी कर जोड़े सुर दिसिप विनीता सियाज राम जी जय हनुमान जी ब्रिकट बिलोकत सकल सभीता माँ जी शिव जी जय राधे श्याम जी देखी प्रताप न कपि मन शंका सियाज राम जी जय हनुमान जी जिमि रहि गण महु गरुड़ शंका माँ जी शिव जी जय राधे श्याम जी कपि ही बिनो की दशा विहसा कहि दुर्बार सुत बध सुरति किन्ह पुनि उपजा हृदय विषाद सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। उसने हनुमान जी को ब्रह्म मान मारा जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग पास से बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बंधा लिया। बंदर का बाधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। देवता और दिव्यपाल सब हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उनका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा कि पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। बोलिए पवन सुत हनुमान की।